अच्छा ठीक है पूजा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे ऑफिस में टाइम हो गया है। और हाँ शाम रात तू रेडी रहन रही जे ताकि अपन दो आज साथ होटल चल लाला, क्योंकि घना दिन रहेगा है थाने ने मने बारे गया ने कटी खानो खाने भी नहीं आया, तो आज अपन पक्को होटल चला। ठीक है अच्छा कई बात कर रहे हो, शाम रात होटल में खाने को उन्हें हाल ला जन। ठीक है मैं तैयार रहूं। ठीक है अब थे जाओ थन मोड़ो वेरी हुए। अरे हाँ पूजा चल ठीक है अब मैं जाऊँ नी बाय। अरे ओ महारानी सा थानो ओ विदाई समारोह खत्म रेगो रह के तो अबे थोड़ो ध्यान है वो घर रे काम में ही लगा दो। और हाँ नहीं तो कही थानो बस चले के तो मारे बेटा सुनील रहते आते रोज रोज ऑफिस भी जाओ परा है नी। वैसे एक बात बताओ थान दो जना बीच में कोई बात रह रही थी है और थे मारे बिना पूछे सुनील ने होटल में जाना हाँ कि ने पूछन भरियो बताओ मने। अरे मम्मी जी इनमें पूछन वाली कई बात है, मैं कि नहीं दूसरा रहते जा रही हूँ कई, मैं तुम्हारे पति थाने बेटा रहते इस तो जा रही हूँ गई तो लेन जा रही है। अरे हाँ हाँ माँ रानी सा क्यों नहीं जा सको थे आपरे पति रहते है कठे भी जा सको थे तो आखिर मजो जो को आवे थाने। हाँ हमारे बेटा सुनील रह पया खर्च कराना में मजो तो गुणा ही आवे थाने। मम्मी जी एक बात बोलूं आप कोई बात नहीं रहे ठीक है नी। हाँ वे आपरा बेटा जरूर है। अरे ओ क्यों भूले रहे हो वे मारा पति देव भी है। और हाँ अगर वे मने कटिखाणो खिलौने बारे लेन जा रहा है तो आपने कई प्रॉब्लम हो रही है। अरे महारानी सा एक तो घूमना फिरना रो शौक हो तो क्या तो थाने पीर रुपया ले नावता। हाँ नहीं तो पीर तो फुटी कुडी नहीं ले नहीं और हर टाइम मौको ढूंढे मार बेटा रा रुपया खर्च कराउना रा। लेकिन मम्मी जी मैं कोनी कियो वीना ने कि मने खानो खिलौने बारे ले जाओ, वीना री इच्छा है और वेस मने कियो कि आज शाम रा खानो खाऊने बारे चाल लाला। और महारानी सा लगाओ मारे बेटा सुनील ने फोन और मना कर दो कि मैं नहीं चल सकू डिनर में आई गयो समझ में। और हाँ गया परा नहीं तो घर में बतंगड़ कर बोला मैं। लेकिन मम्मी जी वीना ने बहुत बुरो लागे ला क्योंकि वीना रो बहुत दिल थोक वे आज मारे साथ बारे जावे और मैं नहीं चाहूंगी वीना ने बुरो लागे। मम्मी जी मैं वीना ने मना किकर कर दू। अरे माँ रानी सा तू मने मत हिका ठीक है नी, मारे बेटा ने तो की बुरो को नहीं लागे। हाँ तू चुपचाप फोन कर अनकैग मार तो तभी ठीक होनी है जो को मैं तो सामने रोटी खाने बारे नहीं आई। हाँ अरे मैं यूं बर्बाद होते हुए देख सकू कई मारे बेटा ने है तू यूं पया उड़ाए मैं थन देखती रहूं है। अरे भाई कोई बात रे कटी पया काम काज में खर्च करे तो की कोनी है तू तो हुन्ना पैसा खर्च करे है। ए हुन्ना पैसा भाई खर्च मारे बेटा नहीं करावना थारा हुन्ना पया खर्च करना रहे हालो आप रे पीएफ चपादारो ठीक है नी है। तू कई हो जाए घर में तन खाणो नहीं मिले जो तू बारे भीर री रोटी खाने है थोड़ी बहुत शर्म नहीं आवे तने है। और हाँ अगर तू मारो कहनो नहीं मानियो नहीं तो देख लीजिए सामने आउंदे मार बेटा सुनील ने थार खिलाफ इतनी भड़कौलन जो थार जीवनो हराम कर दूला समझ गई नहीं तू। हाँ मार बेटो है वो आखिर तुम्हारी बात मानी नहीं मानी है तने समझ में आएगो कि बरे समझो तने में। ठीक है मम्मी जी अबे कुछ और समझाने की जरूरत कोनी है मैं खुद वीना ने फोन करने मना कर दे ठीक है अबे खुश रहो। मूर्ति बननी हूँ भी क्यों है जा थार काम कर जा। राजस्थान री सबो बड़ी खबर। अरे भाग्यवान आ आज थारे चेहरा मत किन बात री खुशी झलक रही है। चलो कई नहीं तो थाने इन अखबार और इन चाय कप मतू थाने मारी खुशी तो नजर आई है। अरे थोड़ो बहुत ध्यान है वो घर में भी दे दिया करो। हाँ नहीं तो कई अरे मैं तो ओ हम जने घर में गरीब गरीब बेटी लाई के अपन है के मुट्टी में रही पर आ गरीब गरीब बेटी तो मारो जीवनो हराम कर दियो है। अरे भाग्यवान अबे थने किन बात री समस्या रहेगी है बीनड़ी सा तो थारी हैंग बात माने हैं। ए कई खाप मारो कहनो माने हैं। अरे वा तो मैं इतनी बुद्धिमान हूँ कि हैंग दिन इनो नजरा टिकान बैठी रहूं अगर मारी इतनी भी नजर हटगी रहनी तो वो कहीं ओ बेटो है के वही अपन हाथा मुँह निकल जाई आयो समझ में थाने। अरे ठीक है भाग्यवान थारे जचे जीव कर मैं तो बोलियो ने बकई खादी। अरे पूजा बीनड़ी ओ पूजा बीनड़ी चाय कोनी बनी कई हाल। बन गई मम्मी जी बस लेने जा रही थी। अरे अबे मैं तो खुद ही साएगी थे तो मने दे दो चाय। ठीक है मम्मी जी आ लो चाय। अरे बीनड़ी सा थाने गड़ा में आज होनरी चैन मैं तो पहली बार देखी हूँ पहले तो कदी देखी कोनी कटू लाया। मम्मी जी चैन हाँ आ चैन तो है के मार शादी सालगी रहती के जन थाने बेटा इस मन गिफ्ट में दीदी थी। अरे बीनड़ी सा आ थाने चैन जो को पहनने है के वह तो बहुत महंगी लाग रही है और सुनील थाने इतना महंगो गिफ्ट दियो है और थे मैंने एक बार भी नहीं बतायो। अबे सुनील नहीं बतायो तो कोई बात नहीं लेकिन थे भी मैंने एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझियो।
मम्मी जी आज को चैन है नी और गिफ्ट मैं वे मैंने पर्सनली दी दी थी तो वे क्यों थो कि आज चैन रे बारे में तुकी नहीं बताई जी मती इन वास्ते मैं आपने बताना जरूरी नहीं समझियो तो साबास बेटा साबास है मारे इस घर में रहे ने मारे इस रुपया उड़ावे और मनीज बताना उचित नहीं समझे है क्यों भाई है। वाह बेटा जी वाह खूब तरक्की कर रहे हो थे दो ही जना तो है खूब पैसा उड़ाओ खूब मौज मस्ती कर रहे हो। अरे मम्मी जी आप एड़ी केड़ी बात कर रहे हो अब इनमें एक तो भी बुरो लगाने वाली कई बात है कई मारे पति री सैलरी रे माते मारो कोई अधिकार नहीं है कई वे विना रे पगार रे मयो मने कोई उपहार नहीं दे सके या मैं विना ने नहीं दे सकूं कई है आप कोई वैसे बात थोड़ी ना रहे मम्मी जी। हाँ हाँ सही कह रही हो मां रानी साते हैं। अरे मारे बेटा री पूरी सैलरी माते थानो इस तो हक है। अरे थाने माई का मैं तो थे कदी पया दे क्या कोनी है के पया किकर कमावी जे पया री कई कीमत रेवे है रुपया दे क्या रहो तो थाने इन घर में ठा पड़े पया री कदर किकर करी जे है वो तो थो कदी कियो करियो कोनी है। अरे मारी जाए के खोपड़ी यानी मारीज मत्ती है के मारीज गीती जको मैं थार जेड़ा भिकारी और गमू थार जेड़ी औलाद उठान लाई मार घरे रिश्तेदारी करन लाई है और मैं कई सोचो तो तू कोई निकली है और थाने कोई ठा पड़े बंदर का ही जाने अदरक रो स्वाद। तो मम्मी जी मैं एक बात आपने साफ सट के दू वैसे तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं लेकिन फिर भी आपने अगर कोई बात मारी बुरी लगी रहे तो आपने जितो भी कहो रहे नहीं आप मने कहो लेकिन प्लीज मारे पियर वाला ने कुछ भी मत कहो वे कुछ नहीं बिगाड़े है आप रो आपने जितो डांटनो है सुनानो है आप मने सुना सको ठीक है। अरे थारे पीरियर बारे में नहीं बोलू तो किन बारे में बोलू हाँ अरे विनर इस तो है करियो धारो है इन्हें घर में है वेस तुम्हारे घर में आग लगावे वेस तो तने हिकावे फोन मत हिका हिका निका हिका ने घर घर कुंडिया करावे मैं कोई हमझो को नहीं कही मारी तो मती मरीज की थी कि जो को थार जड़ी भिकारी औलाद ने घर में रिश्तेदारी बना ली नहीं मैं इनमें मारे माँ बाप पर ही कई गलती है। ए मम्मी जी हर बार मारे पीहर तक क्यों पहुंच जाए मारा पीहर वाला कई कर रहे सब दिन मारे पीहर वाला ने क्यों बोला बुरा बोला है अगर इन्हें बेटू मैंने कोई गिफ्ट दी दिया है तो इन्हें कई तकलीफ हो रही है और हम आज बाद में आज चैन मारे नहीं पैर नहीं है क्योंकि अगर मारे दिल में ही चैन को नहीं थी चैन जो मैं कई करूंगा आज बाद में आज चैन कभी नहीं करूंगा। हाँ मम्मी हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी हाँ आटे भी सब लोग ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। हाँ वो मम्मी मैंने एक बात करनी थी आपको मम्मी मार सासू जी ने मैंने सब दिन उल्टो सीधो सुनाता रहे और आप लोगों के बारे में भी तो गलत कहे सब दिन ताना देता रहे मैंने। हाँ मम्मी अरे मम्मी बिना मतलब वो सुनावे अगर मारे कोई गलती नहीं भी रहे नहीं तो भी मैंने सुनावे। हाँ अरे मम्मी मैं बहुत एडजस्ट करूँ फिर भी ठीक है। हाँ मम्मी मम्मी लागी रही है कि तार पाउना आएगा मैं पच्चे फोन करूँ नहीं ठीक है मेरा को। वैसे एक बात तो है कि मम्मी मैंने फोन में तो बिल्कुल सही तो समझाया है कि मारे सासुरी बात मत मैं क्यों इतो बुरो मानू और देखो मारो कितना प्यारा पति है कि जल्दी भी आई गया है मारो इतो प्यार करे मारो इतो राखे है तो मैं दूसरे बात मत क्यों ध्यान देना है मारो पति है तो आज मैं सब कुछ हूँ मैं बिना फालतू तो बिल्कुल भी छिझूला भी कोनी और कुछ तो भी नहीं करूँगा। अरे पूजा वह थार सोना रे चैन टूटेगी काले तो पहनने थी जो को मैं थन गिफ्ट में दी दी थी। अरे वह चैन इतनी सुंदर थी नी कि मैं सोच रही थी कि रोज रोज घरे पैर पहने मने खराब नहीं करनी है कटी आऊं जाऊं जट पैर हूं तो चार लुगाए तो कई के वाह कितनी बढ़िया चैन है इन वास्ते मैंने खोलन संभालन रख। अरे यार पूजा तू भी कितो आगे रो सोचे है अरे थने उतारना भी कई जरूरत थी मने कह देनो तो एक और चैन दिया था थार आउन जाउन वास्ते वैसे वह चैन थारे गला में बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है जी आप बैठो थोड़ी देर रेस्ट करो मैं आपरे वास्ते ग्रीन टी बना ले लूं। अरे पूजा तू भी नहीं बस पूरा दिन घरो काम काम कदी ओ कर दू कदी वो कर दू कदी ओ कर दू अरे थोड़ी शांति रख और तू आओ मारे कने बैठ और मने बता कि थने इन्हें घर में कोई चीज की कमी तो नहीं है मैं कितने दिनों देख रही हूँ और नोटिस भी कर रही हूँ थारो मुंडो उदास उदास रहे तू कटी खोई खोई सी रहे कई तकलीफ है मने बता तू। नहीं 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 जी मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और तकलीफ री कई बात है और तुम्हारो ही तो घर है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देख पूजा थने इन्हें घर में कोई तकलीफ रहे या कोई चीज की जरूरत रहे नहीं तो तू बिना संकोच करिया मने बता सके ठीक है नी। हाँ हाँ पर मने कोई भी चीज तकलीफ नहीं है मैं अटे बहुत ज्यादा खुश हूँ आप फालतू चिंता मत ही करो। अरे पूजा थारी चिंता मैं क्यों नहीं करूँ हाँ अरे तू तो मारी जिम्मेदारी है
और थने खुश राखनो मारो कर्तव्य है। अरे पूजा बिंदनी, ए पूजा बिंदनी। अच्छा ठीक है जी, अब आप आराम करो, देखो मम्मी जी आवाज दे रही है, अभी मैं जाऊँ। अरे रुक रुक पूजा, तू बारे मत जा, मैं मम्मी ने कह दू कि तू कोई काम कर रही है, आजा तू बैठ अटे मार करने। अरे नहीं नहीं जी, आप रहन दो, मम्मी जी ने कोई जरूरी काम रह ला, इन वास्ते इतनी आवाज दे रही है, मैं जाऊँ अबे। हे भगवान कितनी अच्छी है नी पूजा, सबारो घर में कितो ध्यान रखे, मम्मी री एक आवाज माते उठन गई परी है। हे भगवान, वा तो कदी खुदरी खुशियों रे बारे में या खुदरी खुशी रे बारे में कदी कुछ सोचे ही कोनी, सिर्फ और सिर्फ मारी फैमिली रे बारे में सोचे। कितनी अच्छी लड़की है पूजा। कहे होयो मम्मी जी। अरे माँ रानी साहब, पूरा दिन कमरा रे में ही बैठा रहे वो के बारे आन कोई घर रो काम धाम ही रही है मैं थानो। अरे पूजा बिंदनी, मैं थाने इन वास्ते आवाज लगी थी बेटा के मारे फोन में के बैलेंस नीट कियो, जिको फोन ही नहीं लगे कि नहीं, जिको मैं तो फोन लेने आई कि थोड़ा खर फोन दे नहीं, जिको बुआ जी ने फोन लगाऊं बात कर। बापरे अचानक से मम्मी जी ने कोई हो गयो। अरे मम्मी रुको, मैं अबार आप रे बैलेंस कर दू। अरे हाँ सुनील बेटा, कर दे मार फोन में बैलेंस। अब कही है नी भाई के वैसे तो मैं किनी परेशान करूँ को नी, ठंडाई जे पूजा बिंदनी ने आवाज नहीं दे रही थी, पर कई करूँ, हम थार बुआ जी बात करनी थी, जिन्हों में आवाज दी थी थोड़ी परेशान कर दी। अरे मम्मी आप भी नहीं, इन्हें परेशान करने वाली कई बात है। हे भगवान, अचानक से मन चक्कर क्यों आ रही है, माँ तो इतना तेज क्यों दुख रही है। अरे पूजा तुम्हें कई हो गयो। नहीं कई हो थारे। अरे पूजा ओट, पूजा ओट कई हो थारे, पूजा ओट नहीं। अरे मम्मी आप जाओ नहीं, एक गिलास पानी लेना हो, लागे पूजा बेहोश होगी। ओट पूजा ओट। बेटा मैं मार लेना हूँ पानी। अरे पूजा उठ, चल सोफा मत बैठ, उठ। नील बेटा पानी गिलास। अरे पूजा तू थोड़ा आराम हो, बैठ और बता कई होई गयो तू थने है, अचानक से तू नीचे की कर पड़ी, कई होई गयो थारे। हाँ पूजा बेटा बता, बेटा कई होई गयो तू थारे। अरे पतो नहीं, अचानक से मारा आंखें आगे के अंदर उछाई गयो, एकदम हेती पड़ गई, था ही नहीं पड़ी हो। अरे पूजा चाल, मैं थने अबे रबे डॉक्टर कन लेन हालू। अरे नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है नी। और हाँ तो थोड़ा सा मामूली सा चक्कर थो, मैं एकदम ठीक हूँ, मन डॉक्टर पाने जाना जरूरत नहीं है। नहीं नहीं पूजा, थारो जिद नहीं चलेला, और हाँ मैं थारी एक भी नहीं सुनूला, तो चुपचाप चल और डॉक्टर करने धन लेन चलू। हाँ बेटा वैसे तो ठीक ही जे बीन नहीं, मैं चक्कर तो कही है, मैं चक्कर तो आई जावे कदी कदी भी, मैं कही रहे जो। अरे नहीं मम्मी देखो, पूजा कितनी कमजोर भी दिख रही है और आगे जाने कोई तकलीफ भी हो सके, वैसे भी मैं देख रही हूँ कितना दिन हुआ उदास उदास रहे और कमजोर बहुत ज्यादा रह गई, तो मैं पहले इन डॉक्टर कन लेन जाऊँ। चल पूजा डॉक्टर कन चला। हाँ ठीक है जी। हाँ हाँ भाई जी। हाँ अरे मैं कई बताऊ है, अरे सुनील रेवे के है जनी सिंह बीन ने रहता नाटक रहे हैं, वो नहीं रेवे के जन तो हैंग दिन घरों काम करे, वो घर आयो नहीं, नहीं नखरा स्टार्ट रिया नहीं है। अरे भाई जी हम कह बताऊ जन तो मैं थानू मिलन वास्ते नहीं आ सकू, अरे घर छोड़न कटे जा ही नहीं सकू के इन बीनने के कारण तो हा? नहीं नहीं थे बताओ भाई जी कि अब मैं जीव के जितने इन बीनने का इतना नखरा है, अरे मारे घर मरिया पचे बीनों कही रही है, इन्हें घर घर कुंडा करी कही है, थोड़ो घो अपन घर नहीं सोचे है। अरे भाई जी मैं रखू है, मन लागे सुनील आएगो दिखे लेन, फिर बात करू मैं रखू होके। अरे बाप रे इतना सारा फल फ्रूट, काजू किशमिश बादाम, इतना सामान किन वास्ते लायो बेटा सुनील। अरे मम्मी ये सब मैं पूजा के वास्ते लेन आयो हूँ, डॉक्टर यू क्यों है कि पूजा कमजोर गणी रहेगी है, तो इन्हें ताकत लावन वास्ते देखो इन्हें मैं मौसमी लेन आयो हूँ, डॉक्टर क्यों दिन में 3 टाइम मौसमी जूस कार्डन देना है ताकि डिहाइड्रेट नहीं रहे, इन मैं ड्राई फ्रूट्स है काजू बादाम अखरोट लेने आया हूँ, और इन मैंने है केला ताकि इन्हें कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा रह गई, तो इन्हें कैल्शियम की कमी पूरी करने वास्ते केला देना पड़ी, तो डॉक्टर क्यों है कभी समय समय में इन्हें सब चीजें देनी है और पूरा पूरा ध्यान रखनो है। अरे हाँ बेटा बहुत अच्छो काम करियो, जो तू बींदनी सर वास्ते फल फ्रूट लेन आएगो। हाँ हाँ सुनील बेटा तू इतना ड्राई फ्रूट्स लेन आयो बढ़िया करियो, क्योंकि हमें गर्रा बींदनी सा है वे मादा पड़गा तो देखभाल तो पचे मानिस करनी पड़ी के। हाँ और अभी पचे गर्रा बींदनी बिना तो और घर हाल लेकी कर। हाँ मम्मी अभी मने तो ऑफिस रे वास्ते दिन भर बारे रहनो पड़े, अभी पूजा आप लोगों ने जिम्मेदारी है और पूजा रो ध्यान अभी आप लोगों ने राखनो है। हाँ हाँ बेटा तू चिंता मत कर, मैं घणी बढ़िया ध्यान राखू इन पूजा बींदनी रो। हाँ मम्मी वही तो कह रही हूँ, देखो नी पूजा कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है, पर डॉक्टर तो वो इसकी है कभी ध्यान तो रखो इस पर। एक मिनट रुको मम्मी फोन आया। हेलो।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज थोड़ा लेट हो गया है, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ जी आप थोड़ा वेट कीजिए, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ जी ठीक है जी। मम्मी मारा ऑफिस से फोन आई गया है, कोई अर्जेंट मीटिंग है इन वास्ते, तो अब मैं तो जा रही हूँ ऑफिस, और अब आप पूजा रो ध्यान रख जो, ठीक है? हाँ ठीक है सुनील बेटा, मैं तू जा ऑफिस, मान लो घणो ध्यान रख ले मैं पूजा बिंदनी रो तो, ठीक है? अरे ओ महाराणी सा, मैं कणो देख रही हूँ कि थे इन घर में इतना नाटक कर रही हूँ, अने मारा बेटा ने है ए बीमार रहना रा नाटक करने क्यों, ब्लैकमेल करने क्यों, रुपया रा घर कुंडिया करा रही है, मने सब ध्यान है कि तू ये नाटक कर रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों नाटक करूँ? अरे महाराणी सा मैं है हमजू, अब कोई है कि थने तो ये घर का काम करना में आवे जोर, घर रो काम करना थारो मन कोनी, जिन्हों थू देखे एक बिस्तर माते पड़ी पड़ी मैं तो गणे ड्राई फ्रूट्स खाऊं, फ्रूट खाऊं, केला खाऊं, नहीं क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो सब कुछ मैं जान बूझ नहीं करियो। अरे कदी एड़ा एड़ा ड्राई फ्रूट्स थारे पीर में खरीदिए है इनो बावी ठा है कि कितना आवे ड्राई फ्रूट्स? हाँ नहीं तो कई पतो नहीं कितना रुपया बर्बाद करना ही है मारा बेटा सुनील रा। अरे लेकिन पापा जी ये सब ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी, तो डॉक्टर खुद निकल दिया है कि सब मन खाना की बहुत जरूरत है। अरे बींदनी सा एक बात है के कान का पर्दा खोल हुन लीजो, ठीक है नी? ए फल फ्रूट ए ड्राई फ्रूट्स ए केला ए हैंग के विनिज खाना रो अधिकार है, जो को की आपरे पीरू घणारो डाय जो लावे घणारो रुपया लेन आवे, ठीक है नी? थाने जड़ा ने कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि थे थाने घर हाथ ही लावता या खाली खट थाने जड़ा ने एडो अधिकार नहीं है, ठीक है नी? और हाँ थाने घणे ड्राई फ्रूट्स खाना शौक आवे नी तो फोन कर दो थाने पापा ने, 4 किलो ड्राई फ्रूट भेड़ा मंगा दो, ठीक है नी? भिजवा दी वे। मम्मी पापा अच्छे केड़ी बात कर रही हो, और कौन सा तरीको रे को पूजो बात करना रो? अरे थू यूं के कर बात करे है थारी माओ? अरे वो तो अच्छो हो मम्मी कि आज मारे ऑफिस रो बैग गलती में घरे भूलन गयो प्रो तो जल्दबाजी में, और हाँ मैं बैग लेवन वास्ते इच पाछो आयो, तो आप दया री मने हकीकत आज था पड़ गई है। अरे क्यों परेशान कर रहे हो आप पूजा ने? अरे कई कमी है इन्हें पूजा में, क्यों आप आए दिन इन्हें इतनी परेशान करो है? अरे आप तो आप लोगों कितो ख्याल रखे आपने, माँ बाप हुई वर्ड ने माने। वाह पूजा वाह है, तो बहुत बढ़िया पार्टी पढ़ाई है हमारे इन बेटा ने है, खूब बढ़िया कंट्रोल में कर दी हमारे बेटा ने। अरे पापा और मम्मी आज मैं आ हकीकत है के हमारी आंखें देख ली हूँ। अरे मम्मी न जाने आप कितना दिनों पूजा ने इतनी ज्यादा परेशान कर रहे हो। अरे मैं इतना दिनों सोच रहे तो बिचारी रे कई रेगो उदास रेवे गुमसुम रेवे, लेकिन मने नहीं पता था आप इन इतनी परेशान करो हाँ। अरे मम्मी आप बिचारी आज तक मने नहीं बताए हो कि इन कितो टॉर्चर कर रही हो, आयो समझ में थाने? अरे नहीं नहीं सुनील जी आप एड़ी केड़ी बात कर रहे हो। अरे भला मम्मी पापा ने आप इन बुढ़ा पर मैं छोड़न कटे जावा, मम्मी पापा रो ध्यान कौन राखेला? देख लो मम्मी आज भी एक तो कुछ होवन के बाद में भी आप पूजा है कि आप रो साइड ले रही है। अरे मैं खूब बढ़िया तरीके जानू हूँ इन माँ रानी सा ने, दिखा वो कर रही है दिखा वो। अरे मम्मी आप कदे पूजा ने एक हिर का उल्टा सीधा सुनाता जा रहा हो, लेकिन आप हो कि मारी बात रो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। मैं आपने पूछ रही हूँ कि बताओ ऐडी कौन सी चीज री कमी रहेगी कि जो को आप पूजा ने इतना उल्टा सीधा सुना रहे हो और इतना ताना दे रहा हो, क्यों मम्मी? महारानी साहब पड़गी थारे इन कालजर में ठंडक है, खूब बढ़िया तरीके भिड़काया है तुम्हारे ने बेटा ने। अरे नहीं मम्मी आपरी गलत फहमी है, पूजा तो मैंने आज तक कभी कुछ बतायो भी नहीं है, वो सब कुछ है नी मैं हमारी आंखें हूँ इन नजरों देखे हूँ, आप लोग पूजा ने इतना टॉर्चर करो इतना परेशान करो, क्यों मम्मी? पूजा भी तो आपरी बेटी जे है। अरे मम्मी बहुत हो गयो, अब मैं पूजा ने और परेशान होते हुए नहीं देख सकू। अरे बेटा जी तो पचे कई करो, नौकरी छोड़न रात दिन थाने बींदने कने बैठा रहे वो इनी सेवा करो क्या, थाने माँ बाप ने धक्का ठोकन गुरु बारे काटो। हाँ बता बेटा सुनील, थारे नौकरी छोड़नी है कई पचे? अरे नहीं पापा नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकू नी, नौकरी तो मैंने करनी पड़ी वरना मैं खाऊ लगती है, लेकिन वो आपरो घर है और आपरा घर ने भी मैं नहीं छोड़ा सकू, ठीक है नी? लेकिन हाँ मम्मी पूजा भी मारी जिम्मेदारी है और इन्हें खुश रखना मारा कर्तव्य है, ठीक है नी? तो मैं इन्हें जिंदगी में हर खुशियां दूला। अरे सुनील बेटा आखिर तू करनी कई चाहे है वो साफ साफ कह मने। अरे सुनील जी आप प्रेम दो, आप मम्मी पापा इन तरीकों बात मत करो, आखिर ये तो अपना माँ बाप है, अच्छो नहीं लगे।
अरे देख लो मम्मी और पापा, इतना सब कुछ होने के बाद भी पूजा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की फिक्र कर रही है, क्योंकि वह आप लोगों ने माते जीव डाल दियो। आप लोगों ने माँ बाप को भी बर्डन समझे, जितना तो आ सगा माँ बापा ने नहीं समझे उतना आप लोगों की केयर करे। लेकिन मम्मी बहुत हो गयो, अब मैं पूजा ने एक मिनट भी इन घर में नहीं रहन दू, मैं जा रही हूँ इन घरों बहुत दूर पूजा ने लेने, ठीक है? अरे नहीं नहीं सुनील बेटा, मन दो जना छोड़न तू कटे मती जा, थारे बिना तो इन दुनिया में है ही कौन मानो। हाँ सुनील बेटा, इतना मोटा घर में माँ दो ही जना एक ला की कर रहे हैं वहाँ, वो भी थाने बिनू बेटा, थाने दो ही जना रे बगैर तो माने इन दुनिया में कोई को नहीं है। अरे सुनील बेटा मन माफ कर दे, मारी गलती देगी है, आज बाद में मैं पूजा रे माते कदी कोई अत्याचार नहीं करूँ बेटा। और हाँ मैं पूजा ने मारी बीनी बनान राखू, मारी बेटी बनान राखू, बेटियों भी ज्यादा प्यार करूँ लगे। मत जा बेटा, वो घर छोड़न कटी मती जा बेटा। अरे हाँ हाँ सुनील जी, आप मम्मी पापा की बात मान लो, आखिर ये अपना माँ बाप है। अरे पूजा मने तो अबे मम्मी पापा रे माते 1% भी भरोसा नहीं रियो है, लेकिन हाँ तू है जो को वापस इन्हारे माते भरोसा कर रही है, और थारे भरोसा रे वास्ते मैं एक चांस और दे रही हूँ और इन घर में रुक रही हूँ। माफ कर दो बेटा पूजा बींदनी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप एड़ी केड़ी बात कर रहे हो, आपने मारू माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मारा माँ हो। देख लो मम्मी, एड़ी बहू तो आपने दियो लेन ढूंढो लानी तो भी नहीं मिलन वाली है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद में भी फिर आपरे माते भरोसा की दो है और आपरे साथे रहने वास्ते तैयार है, तो आप भी अबे आपरी सोच बदलो। अरे बहू ने बहू मत बेटी समझन, देखो आपने इनमें 100% बेटी मिलेला, आयो समझ में? हाँ सुनील बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रियो है, सब मानी गलती थी, माइंज है कि बहू रे साथे इतो अत्याचार करियो और इनहाते इतो बुरो व्यवहार करियो, मने माफ कर दे बेटा। हेलो सर, राम राम सर, तो आज भी मारी आ स्टोरी आप लोगों ने केड़ी लगी है। दोस्तों आज भी मारी इन स्टोरी से सिर्फ और सिर्फ एक ही सीख है कि हर सासू ने आपकी जो को बहू रेवे विने बेटी बनान रखनी चाहिए, क्योंकि सासू भी तो कदीन कदी बहू थी और विनी सासू भी है तो विनार माते अत्याचार किदा था तो विना ने कितो बुरो लागो, तो वाई सासू है तो अबेरी बेटी और माते बहू और माते अत्याचार करे, तो आज जो समय बदल गयो है सासू ने भी आपका व्यवहार बदलना चाहिए, बहू और प्रति बहू ने बेटी मानना चाहिए, ताकि हर गृहस्थ जीवन है वो बहुत अच्छी तरीके से चलिया करे। तो मारो तो सिर्फ एक ही कहना है कि बहू ने बहू नहीं एक बेटी मानन देखो, अपने घर में साक्षात एक बेटी आ जाया करे। तो आपने आज स्टोरी कैडी लगी है, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से कमेंट जरूर कर दो, नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। राम राम सा।